हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी मैथ्स की पूरी जानकारी। इसका सिलेबस क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में हम बताएंगे कि किन बुक से आप तैयारी करें जिससे आपके रिटन में अच्छा स्कोर हो। तो यहाँ पे हम एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपके 105 प्लस होने चाहिए, और अगर आप बीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 प्लस होने चाहिए, और अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 90 प्लस होने चाहिए। यहाँ पे हम एक बात और बता दें, गर्ल्स के लिए देखिए, गर्ल्स की जो मेरिट होती है वो काफ़ी डाउन जाती है। तो अगर आप गर्ल्स में गर्ल्स हैं तो आपकी जो मेरिट है काफ़ी नीचे जाती है, इनसे भी नीचे जाती है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम यहाँ पर छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे कि जो लाल रंग का बटन है ये वाला, इसे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप ये दबाएंगे तो एक घंटी आ जाएगी, उस घंटी को भी दबा दीजिए। वो घंटी दबाने से क्या होगा, आपको जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, और जो ये लाल रंग है बटन दबाते ही काला पड़ जाएगा। देखिए सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं जाता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं जाता है। तो आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपको बता दें। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर इसका जो है, दो प्रकार का एग्ज़ाम होगा इसमें, एक तो रिटन रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा होगा इंटरव्यू। ठीक है, जो रिटन होगा एग्ज़ाम, तो रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका होना चाहिए ये 85% का। रिटन एग्ज़ाम कितना होगा, 85% का। इसमें क्या होगा, 125 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3.14 मार्क्स का होगा, यानी कुल मिला के 425 नंबर। कितने, 425 नंबर का। यहाँ पे अरे 425 नंबर का जो हो गया वो रिटन हो गया 85%। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इंटरव्यू 10%, तो 10% का मतलब है यहाँ पे 50 नंबर का जो हो जाएगा वो इंटरव्यू हो जाएगा 10%। और उसके बाद ये देखिए, ये एक तो है स्पेशल क्वालिफिकेशन 5%। स्पेशल क्वालिफिकेशन कौन कौन सी, आप देखिए पीएचडी की डिग्री है आपके पास तो उसके 2%, 2% का मतलब हो जाएगा 10 नंबर। और अगर आप एमएड की डिग्री है आपके पास तो 2% इसके, यानी 10 नंबर ये हो गए। और बीएड की भी डिग्री है आपके पास तो 1% का मतलब 5 नंबर ये हो गए, यानी कुल मिला के 500 हो गए। यहाँ पे हम एक बात और आपको बता दें कि ये जो नंबर हो गए हमारे कितने, 425 और 50 इंटरव्यू के, और 25 कैसे हो गए, ये एक्स्ट्रा डिग्री। अब यहाँ पर कुल मिला कितने हो गए, 500 हो गए। और जो मेरिट बनेगी वो 500 में से बनेगी, और 500 में जिसकी मेरिट ऊपर जाएगी उनका उनको सिलेक्शन इसमें होगा। और यहाँ पे एक बात और बता दें, अगर आपको राष्ट्रीय लेवल का कोई खेल का प्रमाण पत्र है उसके भी 5 नंबर मिलते हैं, यानी 1% नंबर उसके भी मिलते हैं। ये आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास ऊपर वाला कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हैं, इसमें 5 नंबर मिलते हैं। अब देखिए आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है, दो टाइप का मैंने आपको बता दिया, एक तो रिटन है और एक इंटरव्यू है। रिटन जो है 85% यानी कि 425 नंबर का, और जो इंटरव्यू है वो 50 नंबर का, और जो जनरल है बाकी और है वो 25 नंबर का, यानी कुल मिला के 500 नंबर का था। अब यहाँ पर हम एक बात आपको और बता दें कि इंटरव्यू में जो है अब 40 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलते, यानी 50 नंबर का इंटरव्यू होता है तो 50 में से 40 ही नंबर मिल पाते हैं, यानी कि इंटरव्यू में जो मैक्सिमम जो है 40 से ऊपर नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब मेन जो हो गया वो रिटन ही हो गया। अगर आपने रिटन अच्छे से कर लिया है तो आप मेरिट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बात आपको और जानकारी देना चाह रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप न्यू हैं, आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। ये लाइव क्लास हम जो है 10 फरवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, और इसमें टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ और एनडीए का मैथ साथ में क्लास 12 के बच्चे भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसका जो टाइम होगा 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और रात्रि 9 बजे से चलेगा। इसमें हमारी जितनी भी वीडियो हैं और जो भी क्लासेस हैं वो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी, किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब बात चलते हैं बुक्स की जानकारी देते हैं। अब बुक्स हम देखिए किन किन बुक्स से तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए हम आपको बता दें। तो बुक्स में देखिए चार प्रकार की मैंने बुक्स में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जिसमें आपका जो है सिलेक्शन
100% हो जाएगा अगर आप इनको फॉलो करते हैं। देखिए चार प्रकार के बुक्स कौन कौन सी हैं, इनको ज़रा ध्यान समझेंगे। सबसे पहली बात तो आप देखिए इंटरमीडिएट की जो ओल्ड सिलेबस वाली बुक है यूपी की, एक तो वो वाली और दूसरी बात न्यू सिलेबस वाली, अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका जो है 70% कवर हो जाएगा। कितने परसेंट? 70%। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आप इसे कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो बीएससी का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी का सोल्ड पेपर आप ले लें शिल्पी का, मैं ऊपर अभी इसकी पिक भी आपको दिखाऊंगा, तो ये अगर कर लेते हैं यहाँ से बीएससी का पोर्शन यानी 30% पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। अब देखिए इसकी और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, नंबर तीन अरिहंत का पीजीटी मैथ्स, अरिहंत का यात्रितांक आता है, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं अब तक के तो वो सारे इसके अंदर होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसे कर सकते हैं। और साथ में और अगर एडवांस तैयारियां आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये बुक देखिए, डॉक्टर आर एस अग्रवाल एस चांद पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, ये अलग अलग टॉपिक में बुक आती हैं, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इन बुकों से तैयारी करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। अब मैंने आपको बताया था देखिए पीछे ये जो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिमिनरी सोल्ड पेपर आता है वो इस टाइप का होता है, और यहाँ से बीएससी का पोर्शन कवर हो जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है ये, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं सिलेबस पे चर्चा। अब देखिए इसका जो सिलेबस है तो इस सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी करें, तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है बीजगणित। तो बीजगणित में क्या आता है देखिए यहाँ पे, समीकरण सिद्धांत, मूलों के सममित फलन, अंगणितीय गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणियाँ, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, घनों के पदों से बनी श्रेणियों का योग, क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांक की श्रेणी, लघुगणक की श्रेणी, प्रायिकता योग और गुणन का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको क्या जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है तो उसी से रिलेटिव आपको जो है इसमें करना है, जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसी से रिलेटिव आपको करना है, कोई आगे ज़्यादा एडवांस आपको नहीं करना है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसी का जो बीएससी में है वो आपको तैयारी करना है। अब देखिए आगे चलते हैं हम, यहाँ पर देखिए सांडलिक, सांडलिक में वही है, आप सांडलिक में बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है सांडलिक, आप उससे भी करें। आभ्यू है, समुच्चय सिद्धांत एवं संक्रियाएं, समूह सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर समूह सिद्धांत जो है ये देखिए कुछ पोर्शन यहाँ पर बीएससी का आपको यहाँ मिलेगा, ये देखिए सम ये प्रसामान्य उपसमूह के विभाग, समूह ग्रुप बहुत आता है, तो ग्रुप आप अच्छे से तैयार, मौलिक प्रमेय, प्रथम और द्वितीय एक ही प्रकार की समकारिता प्रमेय। अब देखिए रैखिक गणित, रैखिक गणित भी ये बीएससी का कुछ पोर्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, तो हमने बताया था आपको जो 70% तो इंटर का और प्लस 30% बीएससी का, ऊपर जो हमने किताबें बताई अगर आप उनसे तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए निर्देशांक जयंती में ये है, तो आप जो ये देखिए जो नई किताबें इंटरमीडिएट की उसमें क्या है, अब कुछ सिलेबस जो टीजीटी में है वो नहीं है, इसलिए मैंने बताया था कि जो इंटरमीडिएट की ओल्ड बुक है 6 बुक्स तो उनको आप ज़रूर करिएगा, तो वहाँ से क्या होगा जब आप उनको करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। अब देखिए समाकलन गणित है, समाकलन गणित में भी इंटर का भी है और बीएससी में भी आता है, अवकल गणित में भी इंटर में भी है और बीएससी में भी आता है। देखिए बीएससी का पोर्शन ये वाला है यहाँ पे, आंशिक अवकल समीकरण ये है, सरपिट की विधि और यहाँ पे त्रिकोटिक अवकल गुणांक, ये पूरी मूंगे की विधि, ये सब बीएससी का पोर्शन है। और ये देखिए सदिश विधि, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये बीएससी का पूरा डाइवर्जेंस, कर्ल व डाइवर्जेंस, स्टोक प्रमेय, ये सब पूरा बीएससी का पोर्शन है। अब यहाँ पर देखिए डायनोमिक स्टेबिलिटी, अब डायनोमिक स्टेबिलिटी अब तो इंटरमीडिएट में है नहीं, उसमें है नहीं, तो अब ये जो बुकें हैं दो ये आपको ओल्ड बुक की इंटरमीडिएट किताबें कर लीजिए, उन्हीं से ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए आप एसपी मैथ्स चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।